तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जाने वाले हैं देहरादून से अपने घर चमोली। तो दिखाते हैं आपको चमोली की लोकेशन कैसे कैसे रहती है रास्ते में। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हमारे साथ जाने वाले हैं ये बुल्ट, और मेरे पास है एंटॉर्क, और राइडर हैं दूसरे हमारे प्रकाश भाई। पहुँच चुके हैं, दूसरा राइडर ये है हमारा बुल्ट का। गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और मैं सोच रहा हूँ रिफ्यूल करवा देता हूँ क्योंकि आगे पेट्रोल पंप है नहीं। अभी बज रहे हैं दिन के 11, और हम पहुंच गए अभी देवप्रयाग। और आपको दिखाता हूं शिव जी की मूर्ति जो यहाँ पे काफ़ी फेमस होगी, जो आगे पीछे जाते रहते हैं उनको पता होगा। ये है हमारे पीछे शिव जी की मूर्ति, दिखनी पड़ रही है थोड़ी दूर हो रही है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, और अभी हम पहुँच गए हैं देवप्रयाग में पहुँचे हैं, और कुछ इस तरह का नज़ारा है देवप्रयाग का। खूबसूरत हसीन नज़ारा देवप्रयाग का, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। जो नीचे आपको नदी दिख रही है, ये अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम है जो नीचे है, काफ़ी माना जाता है ये भी। तो जो भी इस रूट से जाते होंगे केदारनाथ बद्रीनाथ, उन्होंने ये ज़रूर देखा होगा। तो कमेंट करके बताना किस किस ने ये संगम देखा है। काफ़ी अच्छी लोकेशन है यहाँ की, काफ़ी प्यारा लग रहा है। ऐसा है कुछ हमारा देवप्रयाग। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है गाइस, और जो प्रकाश भाई और हैं वो तो आगे निकल गए हैं, मैं पीछे ही आ रहा हूँ। अभी ब्लॉग शूट करते करते अभी पीछे ही हूँ मैं। तो देखते हैं, निकलता हूँ मैं भी, पकड़ लूँगा उनको धीरे धीरे करके, मिल जाएंगे मेरे को आगे, फिर अभी निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने दो बंदे पकड़ लिए हैं, पीछे इधर ही रुके थे ये मिलने देवप्रयाग में। मैं थोड़ा आगे से ब्लॉग शूट कर रहा था, ये थोड़े पीछे ही रुके थे, मिल गए हैं ये। ये चल रहा है प्रकाश भाई और धीरू भाई का शूट, फोटो शूट चल रहा है इन दोनों का भी। और ये है हमारी नदी नीचे देवप्रयाग, ज़्यादा करीब से। फाइनली गाइस, शूटिंग खत्म हो गई है, अब निकल रहे हैं, निकलते हैं आगे। चलो रे, तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए श्रीनगर धारी देवी के वहां पे, और दिखाते हैं आपको धारी देवी का व्यू। हेलो गाइस, दिन के बज गए हैं 2, और फाइनली हम पहुंच गए हैं कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग मौसम भी सही हो रखा है, अभी धूप लगी हुई है तो काफ़ी कोई दिक्कत नहीं हुई ड्राइव करने में, और सामान भी था हमारे पास काफ़ी, तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं। आज धूप था, मौसम अच्छा था। और देखिए अभी कर्णप्रयाग का व्यू, उसके बाद निकलते हैं फिर आगे। तो ये था गाइस कुछ कर्णप्रयाग का व्यू, और आगे निकलते हैं अब। आगे अभी बचा है अराउंड 100 किलोमीटर और बचा है, जाना है घर पहुंचने के लिए। तो आगे चलते हैं, अभी थोड़ा कर्णप्रयाग में देखते हैं, शॉपिंग करेंगे, फिर निकलेंगे आगे। तो मिलते हैं गाइस, ओके बाय बाय।
तो गाइस शाम के बज गए हैं 5 और हम पहुंच गए अभी दिवाली खाल, और यहाँ इस तरह का नज़ारा है कुछ बर्फ़ का जो परसों गिरी होगी। रोड ब्लॉक थी, अभी खुल गई है पर बर्फ़ अभी बची हुई है थोड़ी बहुत। और हमारे प्रकाश भाई देखिए बर्फ़ में कैसे खेल रहे हैं, ऐसे लगे हैं प्रकाश भाई यहाँ। ये बंदे के पीछे भागते हुए काफी आगे बढ़ते हुए धीरू भाई बढ़ते हुए अब धीरू भाई का आक्रमक प्राण उठा दे भाई, उठा दे धीरू भाई, बड़ा उठो यार। पर के बहुत बढ़िया थ्रो तो कुछ ऐसे मजे करते हुए बर्फ में, दिवाली खाल के बर्फ में। चल भाई प्रकाश भाई गाड़ी पकड़ो, चल बहुत मजे कर लिए, अब निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं गाइस थोड़े आगे। हाँ दगड़ियों मिलते हैं आगे। टाइम हो रहा है अभी 7:30 और हम पहुंच गए अभी घर पे। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर शेरू बहुत इंतजार कर रहा है, भौंक रहा है, देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है शेरू का, तो ऊपर जाके कैप्चर करते हैं अभी। और आ गई हमारी शी बंदा, पीछे आएगा इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।